दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यूट्यूब पर डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी से वैकेंसी और ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकल गई दोस्तों प्योरली गवर्नमेंट वैकेंसी आई है, जो कि निकल गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से निकल गई है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं खड़गपुर से निकल गई है, जो कि 5 अक्टूबर 2023 को वैकेंसी निकल गई है। ठीक है, और इसमें 2 तरह के वैकेंसीज आई है। एक आपको वैकेंसीज आई है, यहाँ देख सकते हैं कि डिप्टी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। ठीक है, डिप्टी लाइब्रेरियन की है, और एक आई है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट एक है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है जो कि OBC के लिए। ठीक है, तो दोनों में एक एक पोस्ट आया है, दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट ये है कि जो डिप्टी लाइब्रेरियन का है उसका पे स्केल थोड़ा ज़्यादा है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का थोड़ा सा पे स्केल कम है, क्योंकि डिप्टी लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन से थोड़ा ऊपर में होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट में, इसे क्वालिफिकेशन क्या है नीचे आके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्टी लाइब्रेरियन का जो पोस्ट का क्वालिफिकेशन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ पे मैट्रिक इसका इतना है, जो स्टार्टिंग सैलरी आपका अप्रॉक्स 80,000 से है ना। और इसमें कहा जा रहा है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक ना, आपके पास MLIS की डिग्री होना चाहिए, देन उसके बाद आपका 55% मार्क्स होना चाहिए MNIST के, आप जो कोर्स किए उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका कह रहा है इक्विवेलेंट गेट कौन सी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर प्लस कर रहा है कि 5 ईयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वो भी असिस्टेंट किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में, और आपको क्या कर रहा है फिर कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी जो होता है आपका उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर डिजायरेबल में कह रहा है कि डिजायरेबल में आपका यह है कि आपका MPhil, अगर आपने MPhil किया है या PhD किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। एज का बात करें तो एज का आपको यहाँ पर रखा गया 50 साल रखा गया, 50 साल से अगर आपका ज़्यादा है, 51 भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 50 से कम आपका, अगर 49 साल और 9 महीना भी हो रहा है, 10 महीना भी हो रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिर आते नीचे में कि इसका कितना चार्ज लगने वाला है। ठीक है, नीचे सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि इस फॉर्म का जो चार्ज लगने वाला है आपको, पहले इसका देखिए लास्ट डेट कब तक है। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 30/10/2023 तक रखा गया है, मतलब आपके पास अभी टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरने के लिए आपको दोस्तों ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा, www.iitkgp.ac.in पर क्लिक करिएगा। वहाँ पे आपको जाना है, क्विक लिंक्स में जाना है, वहाँ पे आपको नॉन टीचिंग दिखेगा, नॉन टीचिंग पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करते ही इसका लास्ट डेट रखा गया है, दिखाई दिया मैंने आपको, इसका लास्ट डेट जो है 30/10/2023 तक है ना, इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे आते इसमें कितना चार्ज लगने वाला है, तो चार्ज की बात करें तो जो कि 1 से लेकर 23 तक सीरियल नंबर है, तो मेरा तो डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 3 और 4 नंबर पे था, तो आपका 500 लगने वाला है। ठीक है, और बाकी जो नीचे के पोस्ट जिनका हमको कोई मतलब नहीं है, 24 से 36 तक का उसका राइस हो, तो हमको ये नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी का चार्ज कितना है। तो उसका नंबर 3 पे था और नंबर 4 पे था। ठीक है, तो नंबर 3 और नंबर 4 के लिए जो पोस्ट रखा गया, चार्ज रखा गया है, वो आपको 500 रुपये रखा गया। ठीक है, ऑल कैटेगरी के लिए। और फिर क्या रहा है, जो ये 500 रुपये रखा गया SC ST और PW के लिए रखा गया, वोमेन के लिए रखा गया, मतलब कि जो 500 जो चार्ज है ये आपको इतने SC ST PWD और वोमेन के लिए। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए जो भी हैं वो 1000 चार्ज रखा गया। ठीक है, तो आप अगर ST ST में हैं या वोमेन है तो आप इस फॉर्म को 500 रुपये दीजिएगा, बाकी बॉयज़ लोग जो कि OBC यूआर OBC में हैं, जनरल में है, उनके लिए 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसका कहीं भी हार्ड कॉपी इसको कहीं नहीं भेजने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, उसका सॉफ्ट हार्ड कॉपी निकल के अपने पास रख लीजिए, वो आपको जब DV होने वाला होगा, जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपका जब DV होगा तो वहाँ पर आपको उसको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सबको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।